नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी 31 जुलाई के दिन मार्केट में कहां पर कामकाज कर सकता है, आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस के मार्केट में कौन से लेवल रहेंगे, और साथ ही साथ करेंगे हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस फ्राइडे की मार्केट का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये फ्यूचर्स का चार्ट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का। तो काफ़ी कमेंट्स मुझे आते रहते हैं पिछली वीडियोस में कि आपके लेवल मैच नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ फोकस रखिए, ये स्पॉट नहीं है, ये बैंक निफ्टी का, ये BN का फ्यूचर्स चार्ट है। फ्यूचर्स चार्ट यूज़ करने का सबसे बड़ा पर्पस हमारा होता है क्योंकि हमें स्ट्राइक में मूवमेंट सबसे पहले मिलती है एज़ कम्पेयर टू द स्पॉट चार्ट। अब चलिए देखते हैं मार्केट ने फ्राइडे को कहां पर ओपनिंग दी। दोस्तों, पहले तो फ्राइडे में को मार्केट ने 45,999 के लेवल के ऊपर जाते ही इमीडिएटली एक रिजेक्शन लिया, और पहले ही 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी नीचे आया। आने के बाद इसने एक लेवल को टच किया, वो लेवल था 45,605 का। दोस्तों, इसी लेवल पर मार्केट ने टच करने के बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर से मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर आप ध्यान से मार्केट को देखेंगे तो 11 बजे से मार्केट धीरे धीरे अपने लिए नए लोअर हाई एंड लोअर लोस बना रही थी। मार्केट में ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तकरीबन 2 बजे तक। 2 बजे दिन को मार्केट ने यहाँ पर अपना एक लो लगाया बैंक निफ्टी के अंदर 45,484 लेवल पर। इसी लेवल से मार्केट के अंदर एक हमें रिट्रेसमेंट वापस उठने को दिखी, और मार्केट जाते जाते लास्ट के आधे पौने घंटे में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखा के गया। 45,747 लेवल पर पहुंचते ही मार्केट ने एक रिजेक्शन ली, और रिजेक्शन के बाद फिर से मार्केट थोड़ा सा लास्ट में 15 मिनट में नीचे आया, और क्लोजिंग हमें 45,663 लेवल्स के आसपास देखे गया है। अब चलिए बात करते हैं कि मार्केट ओपनिंग आपको कहां पर दे सकती है मंडे के दिन। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा US मार्केट्स की तरफ, ग्लोबल मार्केट्स में। और ग्लोबल मार्केट्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहां पर डाउ जोन्स में फ्राइडे के दिन प्लस 176 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी है। अगर मैं नैस्टैक की बात करूँ तो नैस्टैक यहाँ पर तकरीबन 286 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली प्लस 45 पॉइंट्स की। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी भी फ्राइडे के दिन जब बंद हुआ मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पर फ्राइडे तब तक मार्केट के अंदर जो बढ़ोतरी थी वो भी तकरीबन मार्केट में अराउंड 50 पॉइंट्स की यहाँ पर हमें देखने को मिली। सो ये सभी चीज़ें जो है वो बैंक निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग सजेस्ट कर रही हैं मंडे के दिन। तो ये ओपनिंग लेवल मार्केट में आपको 45,744 के आसपास यहाँ पे आपको कहीं पे ओपनिंग दे सकता है। मतलब हम एक मार्केट में इस एरिया में 45,741 से लेकर 45,802 के बीच में एक गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हम एक्सपेक्टेशन मार्केट में रख सकते हैं। तो आपके अब मार्केट में लेवल्स क्या होंगे आपको ये समझना है। अगर मार्केट आपको गैप अप देता है, कोशिश मार्केट की गैप अप के बाद एक बार पुल बैक लेने की, प्रॉफिट बुकिंग की होगी। इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर मार्केट 45,889 लेवल के ऊपर निकलता है तभी हम यहाँ पे कॉल की पोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। और फिर ऊपर की जो आपको मार्केट में रेजिस्टेंसेस देखने वाली हैं, पहली रेसिस्टेंस मार्केट में 45,900 पर और दूसरी रेसिस्टेंस 45,999 पर आपको मिल जाएंगी। पुट की पोजीशन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे मार्केट में अगर मार्केट गैप अप होने के बाद इमीडिएट रिजेक्शन लेता है और 45,741 लेवल के नीचे निकलने की यहां से मार्केट कोशिश करती है, तो यहां पर हम एक पुट की पोजीशन 45,741 के नीचे बना सकते हैं। और फिर जो आपके पास सपोर्ट लेवल्स मार्केट में देखने को मिलेंगे वो पहला 45,684 और दूसरा 45,605। ये दो इमीडिएट सपोर्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं।
आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें और जिसमें जो मैं लेवल्स मार्क करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के, आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय बाय।